आज हम जा रहे हैं वघई, और वघई के करीब एक ऐसी जगह जहां पर लोग कैंपिंग के लिए आते हैं, और बहुत ही अच्छा कैंपिंग प्लेस है, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ, स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ एक नए व्लॉग में। आप ये जो मेरे सामने रोड देख रहे हैं, ये वासदा से हम लोग वघई की तरफ जा रहे हैं। वघई और वासदा, ये समझो नवसारी जिले का आखिरी किनारा है। वघई वासदा ये आखिरी तहसील है, इसके बाद फिर डांग जिला शुरू हो जाता है। और ये वासदा और डांग जिला, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे चश्मे हैं, बहुत अच्छे अच्छे दरख्त और घने जंगलात हैं, और रास्ते भी काफ़ी कुशादा बन चुके हैं अब तो। और नेचर लवर के लिए और प्रकृति से प्यार और प्रेम करने वालों के लिए वासदा तालुका और इसके आसपास का इलाका बहुत ही मशहूर है, प्रसिद्ध है। आप बने रहिए मेरे साथ ट्रैवल में, मैं आपको वासदा और उसके आसपास की सैर कराऊंगा। किलात कैंप साइट, तो किलात कैंप साइट जाने के लिए ये वघई से पहले का ये मेन रास्ता है, और यहाँ से छोटा सा रास्ता है। दोस्तों, साउथ डांग का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, ये इनके अंडर में ये जगह है, और यहाँ पर स्टे करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। हम लोग तो ऐसे ही विजिट करने के लिए आए हैं, और शहर की जो बिजी लाइफ होती है, जहाँ शोर शराबा होता है, मुख्तलिफ किस्म की आवाज़, नॉइस पोल्यूशन वगैरह, तो इससे आदमी को, अगर आदमी बोर हो जाए और उससे छुटकारा पाने के लिए, चंद दिन रिलैक्स होने के लिए कोई किसी ऐसी जगह की तलाश में हो कि जहाँ वो रिलैक्स हो सके, तो ये वघई के बिल्कुल करीब ये जगह सारी बनी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप अपनी प्राइवेट कार लेकर भी आप जिस मकान में स्टे करना चाहें वहाँ पर पार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ प्रकृति की गोद में चंद दिन आराम करने के लिए आना चाहें, तो यहाँ पर रूम्स अवेलेबल होते हैं, और किस किस टाइप के रूम हैं और कितना उसका रेट है, तो ये सारी जो है वो जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट की जो लिंक है वो डाल दी है, तो आप चाहें तो वहाँ पर जा कर के विज़िट कर सकते हैं। छोटी छोटी झोंपड़ियाँ जैसी बनी हुई है, और बहुत ही अच्छा मौसम भी है, और आसपास का माहौल भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल अंबिका नदी इस कंपाउंड के बगल में बहती है।